हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। तो चलिए, ज़्यादा टाइम हम यहाँ पर बातों में वेस्ट नहीं करते हैं। हम जितना हो सकते हैं ज़्यादा क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं आज की वीडियो के अंदर। तो क्योंकि आपका कल ही एग्ज़ाम है, तो जितना हो सके हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु होस्टेड फर्स्ट खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो पहले जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है वो कहाँ पर होस्ट हुए थे, पहले खेलो इंडिया कार्यक्रम की मेजबानी किसने की थी? न्यू दिल्ली ने, सी राइट आंसर, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीवा इज एसोसिएटेड विद, फीवा किससे संबंधित होता है? आंसर कीजिए, यस, वॉलीबॉल से ये रिलेटेड है, फेडरेशन इंटरनेशनल दी वॉलीबॉल, ए इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, सुधीरमन कप इज एसोसिएटेड विद, ये सुधीरमन कप जो है वो किस खेल से रिलेटेड है? फुटबॉल, लॉन टेनिस, बैडमिंटन या क्रिकेट? तो ये होता है बैडमिंटन से रिलेटेड, सी राइट आंसर, बैडमिंटन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ टीम इन अ गेम ऑफ पोलो। तो पोलो के अंदर कितने नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं, कितने यहाँ पर खिलाड़ी होते हैं पोलो के अंदर? तो ये रहते हैं फोर, फोर इसमें राइट आंसर, डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एस अगेंस्ट ऑड इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच प्लेयर। एस अगेंस्ट ऑड किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सानिया मिर्जा या फिर ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? यह है सानिया मिर्जा, ए राइट आंसर, सानिया मिर्जा। Who is called father of sports psychology? Sports psychology के father किसको बोला जाता है? Sports psychology है कॉलमन ग्रिफिथ। तो right answer क्या है? कॉलमन ग्रिफिथ, B right answer। अगर आपको sound में कोई problem आ रही है, sound आपको clear आ रहा है, एक बार लिख दीजिए, sound clear है तो okay लिख दीजिए। सबको साउंड क्लियर आ रहा है, एक बार ओके लिख दीजिए अगर साउंड क्लियर है तो। यस, तो ओके, ठीक है, साउंड क्लियर है। तो आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेल्डन्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। शेल्डन की क्लासिफिकेशन जो पर्सनैलिटी की उन्होंने दी है, वो इनमें से कौन नहीं है? एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ या फिर पाइकनिक। तो इनमें से जो है वो पाइकनिक जो है, ये शेल्डन की क्लासिफिकेशन में नहीं आता है, डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु गेव द साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो किसने दी है ये अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत? ये दिया गया है सिगमंड फ्राइड के द्वारा, सी राइट आंसर, सिगमंड फ्राइड, यस। नेक्स्ट है, प्रोटीन प्रेजेंट इन द मिल्क इज, तो मिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? मिल्क प्रोटीन भी उसको बोलते हैं, बिल्कुल, कैसिन होता है, राइट आंसर, केसिन। नेक्स्ट है, केराटोमलेशिया इन विच इरेगुलर ग्रोथ ऑफ टीथ अकर इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। केराटोमलेशिया जिसमें कि दांतों का अनियमित विकास होता है, किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए, बी, सी या डी? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, राइट आंसर है ए, विटामिन ए। Which of the following minerals is helpful in proper functioning of throat gland? Phosphorus, sodium, iodine, calcium. निम्नलिखित में से कौन सा खनिज गले की ग्रंथियों के समुचित कार्य में सहायक होता है? तो आयोडीन रहता है, सी राइट आंसर, आयोडीन। Which of the following is a viral disease? तो इसमें से
जो वायरल डिजीज है, वायरल रोग है, वो कौन सा होता है? तो ये है हमारा कौन सा होता है, मिजेल खसरा। राइट आंसर है डी। स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड, दांतों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड, आंसर कीजिए। तो दांतों के अध्ययन को बोला जाता है ओडोंटोलॉजी। सी राइट आंसर ओडोंटोलॉजी। अ सेल इज मेड अप ऑफ अ लाइफ गिविंग सब्सटेंस कॉल्ड, कोशिका एक जीवनदायिनी पदार्थ से बना होता है जिसको क्या बोलते हैं? यस, प्रोटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। सी राइट आंसर। टिश्यू फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ स्किन आर कॉल्ड, त्वचा की बाहरी परत में पाए जाने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं? एपिथेलियल टिश्यू, उनको बोलते हैं। ए राइट आंसर। उपकला ऊतक या एपिथेलियल टिश्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज नोन एज शोल्डर ब्लेड, शोल्डर ब्लेड के नाम से कौन सी बोन को जाना जाता है? यस, स्कैपुला बोन। डी राइट आंसर, स्कैपुला बोन। नेक्स्ट है लार्जेस्ट मसल इज, तो सबसे जो बड़ी मांसपेशी है वो कौन सी? लार्जेस्ट मसल, तो लार्जेस्ट मसल होती है हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस बी राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट ब्रिंग्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के बाएं अलंद में कौन लाता है? तो ये आता है हमारा पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। सी राइट आंसर, पल्मोनरी वेन्स। नेक्स्ट इसमें क्या है, ल्यूकोपेनिया इज कॉज्ड बाय, ल्यूकोपेनिया जो है वो किसके कारण होता है? लेस डब्ल्यूबीसी, जब जो है वो डब्ल्यूबीसी कम होते हैं, लेस डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल, और व्हाइट ब्लड सेल जो है वो रोगों से लड़ने की हमें एक शक्ति प्रदान करता है, तो ये प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाते हैं हमारे व्हाइट ब्लड सेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड इन वन ब्रेथ इज कॉल्ड, एक सांस में ली गई और छोड़ी गई वायु की मात्रा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है टाइडल वॉल्यूम। बी राइट आंसर, टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम रिलीज्ड बाय पेनक्रियाज ब्रेक प्रोटीन टू पेप्टोन, अग्न्याशय द्वारा जारी निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है? तो कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। डी राइट आंसर, ट्रिप्सिन। पाइवोट जॉइंट आर, पाइवोट जॉइंट जो है वो कौन सा रहता है इसमें? तो ये रहता है नेक एंड रेडियो अल्ना जॉइंट। ए इसमें राइट आंसर, नेक जॉइंट होता है पाइवोट जॉइंट। पुशिंग ऑफ द बॉल गिव्स, पहले भी हमने पढ़ा हुआ पिछले कल ये क्वेश्चन, दीवार को धक्का देना जो है इसमें कौन सा कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इसमें लगता है, तो ये आपने याद रखना है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इंटरवल फॉर मेसोसाइकल इज, तो मेसोसाइकल जो है वो कितने टाइम का रहता है? 3 to 6 week। ऑप्शन को देखते हुए राइट आंसर क्या है, 3 to 6 week। रिटेंशन ऑफ ब्रेथ इन योगा इज कॉल्ड, योग में श्वास को रोके रखना क्या कहलाता है? मैंने बताया हुआ है कल भी आपको कि जब प्राणायाम के अंदर हमारे 3 तरह की क्रियाएं रहती है, हमारी पूरक है और दूसरी होती है कुंभक और रेचक। तो इसमें रिटेंशन जो होता है सांस को रोके रखना, कुंभक इसको बोलते हैं। सी राइट आंसर, कुंभक। वाडा वॉज फाउंडेड इन, जो वाडा की स्थापना है वो कब हुई थी? वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो
जो डोप कंट्रोल करती है वर्ल्ड लेवल पे तो वाडा होती है, इंडिया के नेशनल लेवल पे नाडा होती है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो बाडा जो है वो कब इसकी स्थापना हुई? 10 नवंबर 1999 को ए राइट आंसर, 10 नवंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है, इंडियन मोटर फिटनेस टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय, इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये किया गया बुक वॉल्टर के द्वारा, सी राइट आंसर बुक वॉल्टर। नेक्स्ट है, ब्रेडीज स्किल टेस्ट इज टेस्ट फॉर गेम ऑफ, ब्रेडी का कौशल परीक्षण किस खेल के लिए ये टेस्ट करता है, परीक्षा करता है? तो ये होता है किसके लिए? वॉलीबॉल के लिए। किस चीज़ का टेस्ट है ये? वॉलीबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, एज ऑफ पर्सन रिकॉर्डेड इन ईयर मंथ एंड डेज इज कॉल्ड, पर्सन की जो ये कौन सी एज रहती है जो कि हमारी ईयर मंथ और डे में यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है, कौन सी रहती है? आंसर कीजिए, क्रोनोलॉजिकल होती है, एनाटॉमिकल होती है, मेंटल या फिजियोलॉजिकल एज? तो बिल्कुल ये रहती है क्रोनोलॉजिकल एज, कालानुक्रमिक उम्र होती है क्रोनोलॉजिकल एज, जो कि हमारी ईयर मंथ और डेट में यहाँ पर रिकॉर्ड होती है। नेक्स्ट है, IAAF वॉज फॉर्म्ड इन, तो ये एथलेटिक की फेडरेशन है, अब इसको वर्ल्ड एथलेटिक बोला जाता है। तो इसका जो गठन है कब हुआ? 1912 के अंदर, सी राइट आंसर 1912। वट आर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ लैंडिंग एरिया इन लॉन्ग जम्प, लॉन्ग जम्प का लैंडिंग एरिया की विड्थ पूछी गई है, कितनी रहती है? 9 मीटर एंड 2.75 मीटर रहती है, 9 मीटर जो है लेंथ है इसकी इस तरह से, और जो इसकी विड्थ रहती है कितनी है? ये 9 मीटर लेंथ और जो विड्थ है 2.75 मीटर रहती है। तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है, जेवलिन का वेट है विमेन के लिए पूछा गया है, जेवलिन का वेट विमेन के लिए 600 ग्राम रहता है और मेंस के लिए 800 ग्राम, और मेंस और विमेन्स के लिए 600 ग्राम। नेक्स्ट है, जूस रिमेट ट्रॉफी रिलेटेड टू, जूस रिमेट ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड होती है? तो ये फुटबॉल के अंदर दी जाती थी पहले, फीफा ट्रॉफी जो है, जूस रिमेट ट्रॉफी पहले इसको बोलते थे, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ बीसीसीआई, तो ठीक है, भारत के अंदर क्रिकेट को जो कंट्रोल करता है बोर्ड, तो बीसीसीआई, तो इनके जो पहले प्रेसिडेंट थे, ग्रांट गोवेन, बी राइट आंसर ग्रांट गोवेन। तो हेडक्वार्टर IHF का हेडक्वार्टर पूछा गया है कहाँ पर है, तो ये होता है कहाँ पर? न्यू दिल्ली के अंदर है ये, राइट आंसर है डी, न्यू दिल्ली। तो व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ बैडमिंटन कोर्ट इन सिंगल, सिंगल के लिए बैडमिंटन कोर्ट का कितना डायमेंशन आयाम रहता है? तो यहाँ मीटर में पूछा गया है, तो ए राइट आंसर 13.40 मीटर इंटू 5.18 मीटर ये रहता है। एंटीना की लेंथ पूछी गई है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, देखो 1.80 मीटर रहती है, 1.80 मीटर, वॉलीबॉल के अंदर जो एंटीना लगता है, ठीक है, वॉलीबॉल से रिलेटेड है। तो एंटीना कितना लगता है? 1 मीटर का तो नेट ही रहता है, तो 80 सेंटीमीटर ये ऊपर की तरफ को लगा रहता है, तो बी राइट आंसर। तो बास्केटबॉल को किसने इन्वेंट किया है, किसने आविष्कार किया है बास्केटबॉल गेम का? तो ये क्या है? जेम्स नेस्मिथ ने, ए राइट आंसर जेम्स नेस्मिथ। और इसमें देखिए मेंस के लिए हैंडबॉल का यहाँ पर ड्यूरेशन पूछी गई है, तो व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ मैच फॉर मैन इन हैंडबॉल, कितनी रहती है? 30, 10, 30 ये रहती है, ठीक है, 30 मिनट के, 30 30 मिनट के, 2 हाफ और 10 मिनट का इंटरवल टाइम रहता है, बी राइट आंसर। संजीविनी गामिनी एंड अमर आर टाइप्स ऑफ, संजीविनी गामिनी और अमर किसके प्रकार होते हैं, खो खो में या रेसलिंग, कबड्डी या नन ऑफ दीज? ये कबड्डी के यहाँ पर टाइप रहती है, संजीवनी तरह की कबड्डी होती है, गामिनी अमर, तो सी राइट आंसर कबड्डी। नेक्स्ट है, जो
टर्म बोगी जो है वो, टर्म बोगी इज एसोसिएटेड विद, किससे जुड़ी हुई है बोगी? बोगी जो है वो गोल्फ से रिलेटेड होता है। ए राइट आंसर, गोल्फ। तो स्कोरिंग सिस्टम, स्कोरिंग सिस्टम किस गेम के अंदर पूछा गया है? टेनिस के अंदर जो स्कोरिंग सिस्टम है किस तरह का रहता है? आपको पता है कि जो पहला पॉइंट इसमें लेते हैं, कितने 4 पॉइंट है, तो इस तरह से जो स्कोरिंग सिस्टम उसको 1 2 3 नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, इस तरह से होता है लव, 15 30 40 और फिर गेम। तो ये इस तरह का इनका स्कोरिंग सिस्टम रहता है टेनिस के अंदर। डी राइट आंसर। द टर्म पक इज यूज्ड इन विच गेम? जो पक शब्द है किस खेल से ये जुड़ा हुआ है? बिलियार्ड्स, आइस हॉकी, गोल्फ, चेस। ये जुड़ा है आइस हॉकी से। बी राइट आंसर, आइस हॉकी। हु इज नोन एज मिलियन रुपी बेबी? तो मिलियन रुपी बेबी जो है वो किसको बोला जाता है, किसका ही यहाँ पे निकनेम है? तो मैरी कॉम को बोला जाता है। सी राइट आंसर, मैरी कॉम इज ऑल्सो नोन एज मिलियन रुपी बेबी। हु वॉज द फर्स्ट एथलीट टू बी अवॉर्डेड पद्मश्री अवार्ड? पहले एथलीट कौन है जिनको कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये मिल्खा सिंह। ए राइट आंसर, मिल्खा सिंह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट फॉर वॉलीबॉल? इनमें से जो कौन सा टेस्ट ऐसा है जो वॉलीबॉल के लिए नहीं होता है? मिलर बॉल, बॉली टेस्ट, ये इसमें वॉलीबॉल के लिए नहीं होता है। ए राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज द बेस्ट मेजर बॉडी कोऑर्डिनेशन? कौन सा परीक्षण जो है शरीर में समन्वय का सर्वोत्तम माप करता है? तो राइट आंसर है डी, थ्रोइंग एंड कैचिंग अ बॉल। डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऑल स्किन फोल्ड मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम? सारी जो स्किन फोल्ड माप है कहाँ से लिए जाते हैं? राइट साइड से लिए जाते हैं। बी राइट आंसर, राइट साइड। आइसोकाइनेटिक मेथड ऑफ ट्रेनिंग वॉज इंट्रोड्यूस बाय? इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? जे जे पेरिन के द्वारा। बी राइट आंसर, जे जे पेरिन। ओपन एंड क्लोज कंपटीशन कम अंडर, खुली और बंद प्रतियोगिताएं किसके अंतर्गत आती है? आंसर कीजिए। ये आती है एक्स्ट्रा मुरल के अंदर। बी राइट आंसर, एक्स्ट्रा मुरल। पिरामिड ट्रेनिंग वॉज इन्वेंटेड बाय? किसके द्वारा आविष्कार किया गया पिरामिड ट्रेनिंग का? रशियन, जर्मन, स्वीडिश या अमेरिकन? तो ये रशियंस के द्वारा। ए राइट आंसर। सर्किट ट्रेनिंग मेथड वॉज डेवलप्ड बाय मॉर्गन एंड एडमसन आर फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी? मॉर्गन और एडमसन द्वारा विकसित सर्किट प्रशिक्षण पद्धति किस विश्वविद्यालय से है? तो इसमें क्या पूछा गया, जो मॉर्गन एंड एडमसन है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से यहाँ पर रिलेटेड है? तो ये है लीड्स यूनिवर्सिटी। ही राइट आंसर, लीड्स यूनिवर्सिटी। फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी इन कंप्यूटर एजुकेशन इज? कंप्यूटर के अंदर एफटीपी क्या रहता है, फुल फॉर्म इसकी? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ए राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू WHO द बर्ड फ्लू वायरस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू फूड कुक्ड बियॉन्ड? तो कितने डिग्री से ज्यादा यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, WHO के अनुसार बर्ड फ्लू के वायरस को बाहर पकाए गए भोजन के माध्यम से संचारित नहीं किया जा सकता है? देखिए कौन सी, कितने डिग्री? 70 डिग्री सेल्सियस। बी राइट आंसर। फर्स्ट टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम वॉज? सीके नायडू। सी राइट आंसर, सीके नायडू। इन विच स्पोर्ट्स इज द पार्टिसिपेंट कॉल्ड पुगलिस्ट? पुगलिस्ट। किस खेल में प्रतिभागी को पुगलिस्ट कहा जाता है? बॉक्सिंग के अंदर बोला जाता है। बी राइट आंसर, बॉक्सिंग। कैन
कैश प्राइज ऑफ अर्जुन अवार्ड, ये 15 लाख। सी राइट आंसर 15 लाख। लार्जेस्ट और ब्रॉड मसल ऑफ अपर बॉडी, अपर बॉडी की लार्जेस्ट और बड़ी और चौड़ी जो मांसपेशी है वो कौन सी रहती है? रेडी बिटवीन द टू मेजर, ए राइट आंसर। स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड, डिजीज की स्टडी को क्या बोला जाता है? इसको पैथोलॉजी बोला जाता है, बी राइट आंसर, पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीज। वर्ल्ड रेबीज डे इज ऑब्जर्व ऑन, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? आंसर कीजिए। तो ये सी इसमें राइट आंसर, 28th of September, सी राइट आंसर। फादर ऑफ बायो मैकेनिक्स इज, जैव यांत्रिकी के जनक किसको बोला जाता है? तो जी ए बोरेली को बोला जाता है, राइट आंसर क्या है? डी। किन्सोलॉजी के फादर किसको बोला जाता है? किन्सोलॉजी के फादर एरिस्टोटल को बोला जाता है, अरस्तु को बोला जाता है। विच टाइप ऑफ लीवर विल गिव मैकेनिकल डिसएडवांटेज टू द बॉडी, किस प्रकार का लीवर शरीर को यांत्रिक नुकसान देगा? तो ये है थर्ड क्लास लीवर, सी राइट आंसर, थर्ड क्लास लीवर। विच विटामिन इज फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन, सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन बी सबसे पहले, बी वन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन बी वन। बनाना किक इज रिलेटेड टू विच गेम, बनाना किक जो है वो किस खेल से संबंधित है? हैंडबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल या फिर फुटबॉल? फटाफट से आंसर कीजिए। यस, फुटबॉल से रिलेटेड है, डी राइट आंसर। हैंड ऑफ गॉड इज रिलेटेड टू विच गेम, हैंड ऑफ गॉड मैंने बताया हुआ था आपको, ये हैंड ऑफ गॉड जो है वो किस खेल से जुड़ा है? यस, फुटबॉल से जुड़ा है, जल्दी से आंसर कर दीजिए यहां पर जल्दी से। ठीक है, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूड फेलिक्स इज अ फेमस इंडियन प्लेयर इन विच ऑफ द फील्ड्स, जूड फेलिक्स किस क्षेत्र में प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हैं? वॉलीबॉल, टेनिस, फुटबॉल या हॉकी? आंसर कीजिए। यस, हॉकी से रिलेटेड है, डी राइट आंसर, हॉकी। आज भी बहुत से बच्चे हैं जो बिल्कुल सही सही आंसर दे रहे हैं यहाँ पर, तो चलिए हम आगे चलते हैं। फर्स्ट इंडियन वीमेन ओलंपिक मेडल विनर इज, पहली भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी, सी राइट आंसर, कर्णम मल्लेश्वरी। हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, कि जो पहले प्रेसिडेंट है वो कौन थे? यस, राइट आंसर क्या है? डी, डेमेट्रियस विकेलस, डी राइट आंसर, डेमेट्रियस विकेलस। SAF गेम इज स्टार्टेड व्हेन, SAF गेम जो है वो कब शुरू किया गया? 1984, ए राइट आंसर, 1984। किच एंड किक स्टाइल इज यूज इन, किच एंड किक स्टाइल जो है वो किसमें यूज होता है? शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, जेवलिन या हाई जंप? तो ये होता है लॉन्ग जंप के अंदर, बी राइट आंसर, लॉन्ग जंप। हाउ मैनी क्वार्टर्स आर प्लेड इन बास्केटबॉल इन वन मैच,
बास्केटबॉल में एक मैच में कितने क्वार्टर्स खेले जाते हैं? यस, 4 जो होते हैं इसमें, डी राइट आंसर, 4 क्वार्टर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम? खेलो इंडिया यूथ गेम का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर, ए राइट आंसर, न्यू दिल्ली। कैश प्राइज ऑफ माका ट्रॉफी, यह मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है इसका कैश प्राइस क्या है? 15 लाख, बी राइट आंसर। विच मसल इज नोन एज हनीमून मसल? हनीमून मसल के नाम से किस मांसपेशी को जाना जाता है? तो यह है सर्टोरियस मसल, ए राइट आंसर, सर्टोरियस मसल। शटलिंग टू द टॉप इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच प्लेयर? शटलिंग टू द टॉप, जल्दी से आंसर कीजिए। शटलिंग टू द टॉप किसकी ऑटोबायोग्राफी है? पीवी सिंधु की, राइट आंसर क्या है? डी, पीवी सिंधु। फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम ऑर्गेनाइज्ड एट विच सिटी? कौन सी सिटी में जो है पहली विंटर खेलो इंडिया गेम का आयोजन किया गया? तो यह गुलमर्ग में, बी राइट आंसर, गुलमर्ग। वर्ल्ड हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम इज सिचुएटेड एट? विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? चैल के अंदर है, बी राइट आंसर, चैल। नाडा का क्या मोटो रहता है? अभी मैंने बताया नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है नाडा, इसका क्या मोटो रहता है? प्ले फेयर, इसका मोटो क्या है? प्ले फेयर। इन विच ईयर इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन वॉज फॉर्म? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन का जो गठन है किस वर्ष में किया गया? 1946 के अंदर, सी राइट आंसर। विंबलडन इज फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है विंबलडन जो है वो किससे रिलेटेड है? यहाँ पर लॉन टेनिस से रिलेटेड है, साल की जो 4 बड़ी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जिनको बोलते हैं टेनिस के अंदर रहती है, तो विंबलडन उनमें से ही एक रहता है, तो ये टेनिस से रिलेटेड है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इन विच ईयर फर्स्ट टाइम वॉलीबॉल गेम इंक्लूडेड इन एशियन गेम? कब किया गया एशियन गेम को, एशियन गेम में वॉलीबॉल को कब शामिल किया गया सबसे पहली बार? 1958 के एशियन खेलों में शामिल किया गया, बी राइट आंसर। नंबर ऑफ टाइम आउट इन हैंडबॉल गेम? हैंडबॉल गेम में कितने टाइम आउट होते हैं? इसमें 3 टाइम आउट दिए जाते हैं, ए राइट आंसर। विच लेन इज गिवन टू द बेस्ट स्विमर? स्विमिंग के अंदर जो बेस्ट स्विमर है उसको कौन सी लेन दी जाती है? 4th लेन उसको दी जाती है, डी राइट आंसर। दिस गेम इज प्लेड ऑन द बेसिस ऑफ वेट वाइज? कौन सी गेम है जो कि वेट वाइज खेली जाती है? स्विमिंग, जूडो, शूटिंग या वॉलीबॉल? तो इनमें से देखिए जो जूडो रहता है ये वेट कैटेगरीज में रहते हैं, वेट वाइज खेला जाता है। संतोष ट्रॉफी इज कनेक्टेड विद? संतोष ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से है? फुटबॉल से रिलेटेड है संतोष ट्रॉफी। एथलेटिक वर्ल्ड कप वॉज स्टार्टेड इन? एथलेटिक का विश्व कप की शुरुआत कब हुई? 1976 के अंदर, बी राइट आंसर, 1976। व्हाट इज द वेट ऑफ हैंडबॉल फॉर मेंस? व्हाट इज द वेट ऑफ हैंडबॉल फॉर मेंस? ए राइट आंसर, 425 ग्राम से लेकर 475 ग्राम। हॉकी स्टिक का वेट मेंस के लिए, हॉकी स्टिक का वेट कितना रहता है? 26 औंस, सी राइट आंसर, 26 औंस। धुरंध कप वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? ये सबसे पुराने देखिए कब धुरंध कप की स्टार्ट कब हुआ ये? 1888 के अंदर, सी राइट आंसर, 1888।
कौन सी गेम है जो कि ग्लव्स पहनकर यहाँ पर खेली जाती है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बॉक्सिंग गेम जो है ग्लव्स पहन के खेली जाती है। कभी कभी बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। देखिए, द प्लेयर रिलेटेड टू हॉकी इज, इनमें से कौन सा प्लेयर है जो कि हॉकी से रिलेटेड है? ध्यानचंद जी, ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी, जिनको हॉकी का जादूगर भी बोला जाता था। इनका बॉल कंट्रोलिंग स्किल इतना अच्छा था कि इनको हॉकी का जादूगर भी बोला जाने लगा। तो सी राइट आंसर। शॉटपुट इज एसोसिएटेड विद, शॉटपुट जो है वो कौन सा इवेंट के अंदर आता है? जंपिंग है, हॉकी है, या फिर थ्रोइंग इवेंट है, वेट लिफ्टिंग है, किसके अंदर आता है? ये थ्रोइंग इवेंट के अंदर आता है शॉटपुट। सी राइट आंसर। रेड कार्ड इज शोन टू द प्लेयर इन, खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाया जाता है, कौन से खेल के अंदर होता है रेड कार्ड? ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो। बिल्कुल तो फुटबॉल के अंदर भी राइट आंसर, फुटबॉल। ऑर्गेनाइज्ड कैंपिंग इन इंडिया इज मॉडल ऑन द, भारत में संगठित शिविर प्रतिरूप है किसका है? ये रहता है इंडोजीनियस एग्जाम्पल है, डी राइट आंसर, स्थानीय उदाहरण रहता है। हु ब्रोक मिल्क मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड, किसने तोड़ा? बिल्कुल ये परमजीत सिंह जी ने, बी राइट आंसर, परमजीत सिंह। नेशनल पार्क सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय, राष्ट्रीय गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा, ए राइट आंसर। योगा के फादर किसको बोला जाता है? फादर ऑफ योगा, तो महर्षि पतंजलि को बोला जाता है। बिल्कुल इजी, यहाँ पर डी राइट आंसर, महर्षि पतंजलि। हु डिक्लेयर रिक्रिएशन इज अ मैटर ऑफ मोशन बट नॉट इमोशन, तो किसने ये कहा गया है, किसके द्वारा ये बोला गया है कि मनोरंजन जो है मनोरंजन गति का विषय है, ना कि में खराब जो पोस्चर होता है उसका मुख्य कारण क्या रहता है? जो माल न्यूट्रिशन होता है, कुपोषण, इसका मुख्य कारण होता है, ए राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस, इनमें से कौन सा कारक शारीरिक स्वस्थता को प्रभावित नहीं करता है? रीडिंग एंड राइटिंग, सी राइट आंसर, रीडिंग एंड राइटिंग। विच टाइप ऑफ एज फाइंड आउट बाय एक्सरे, एक्सरे के द्वारा क्या आयु का पता चलता है हमारी? फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, क्रोनोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल एज और मेंटल एज? तो एनाटॉमिकल एज भी राइट आंसर, एनाटॉमिकल एज। सॉरी, ये मैंने यहाँ पर साइकोलॉजिकल एज था, ये साइकोलॉजिकल और मेंटल एज राइट आंसर, लेकिन इसमें क्या है, एनाटॉमिकल एज। सोशियोलॉजिस्ट कंसिडर स्पोर्ट्स एज अ, समाजशास्त्री खेलों को क्या मानते हैं? तो ये सोशियो कल्चरल फिनोमिनन मानते हैं, कौन मानते हैं? ये सोशियोलॉजिस्ट मानते हैं। तो राइट आंसर क्या है, डी, सामाजिक सांस्कृतिक घटना। द लोअर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन वीमेन मेक्स देयर मूवमेंट्स, महिलाओं में निम्न या केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण उनकी गति को बनाता है, क्या बनाता है? मोर स्टेबल बनाता है, डी राइट आंसर, मोर स्टेबल। द नीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज,
शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्या क्यों रहती है, क्या होती है, ठीक है, नीड्स क्या रहती है, इम्प्रूव जनरल फिटनेस ऑफ पीपल, ए इसमें राइट आंसर, लोगों में आम स्वस्थता में सुधार, ये इसका जो मेन नीड रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट अ कॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ प्लेटू इन लर्निंग, निम्नलिखित में कौन सी शर्त सीखने के पठार की घटना का कारण नहीं है, तो यह मोनोटोनी राइट आंसर क्या है, मोनोटोनी बी राइट आंसर। फादर ऑफ नेचुरलिज्म कौन है, प्रकृतिवाद के जनक किसको बोला जाता है, रूसो को बोला जाता है, बी राइट आंसर। ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग इज, ट्रेनिंग ट्रांसफर क्या रहता है, प्रशिक्षण में स्थानांतरण क्या होता है, तो डी इसमें राइट आंसर। यूज ऑफ ऑल लर्निंग फ्रॉम द ओल्ड सिचुएशन टू अ न्यू सिचुएशन, रिइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय, प्रेरणा का पुनर्वलन का मत किसके द्वारा दिया गया है, यदि है स्किनर के द्वारा, डी राइट आंसर स्किनर। द एसेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स लाइज इन, आंसर कीजिए, यहाँ पर ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, इनको जल्दी से पढ़िए और आंसर कीजिए। सी राइट आंसर, कमिटमेंट टू प्रोफेशन, सी राइट आंसर। नेक्स्ट है अचीवमेंट मोटिवेशन रिलेटेड टू, उपलब्धि प्रेरणा किससे संबंधित होती है, आंसर कीजिए, प्रेरणा नीड ऑफ द पर्सन, डी राइट आंसर नीड ऑफ द पर्सन। इन विच टाइप ऑफ लीवर द फोर्स इज इन बिटवीन वेट एंड फलक्रम, कौन से उत्तोलक में बल आधार और प्रतिरोध के बीच में होता है, कौन से तरह के यहाँ पर लीवर में हो रहता है, टाइप थ्री तीसरे प्रकार के लीवर में ये रहता है, थर्ड प्रकार के लीवर में, सी राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मेल सेक्स हार्मोन, इनमें से कौन पुरुष सेक्स हार्मोन है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर है टेस्टोस्टेरोन, बी राइट आंसर टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है इन ह्यूमन एडल्ट फीमेल ऑक्सीटॉक्सिन, कहाँ चला गया, नेक्स्ट है वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज, तो यहाँ पर आंसर है बी फिजिकल इनएक्टिविटी। नेक्स्ट है फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ, नेक्स्ट है फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ पेरिटेन टू द, स्वास्थ्य का भौतिक आयाम किसके किससे संबंधित है, तो बी राइट आंसर परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, बी राइट आंसर। नेक्स्ट द मेन पर्पस ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज टू, स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आंसर कीजिए, इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिंग डाउन बिहेवियर इंड्यूस इन इंसिडेंस ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा ऊतक पाया जाता है? ये होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है, बी राइट आंसर कनेक्टिव टिश्यू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, विच डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम इनिशिएट अ रिस्पॉन्स नोन एज फाइट और फ्लाइट, कल भी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर, द सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, इनमें से कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर का यहाँ उदाहरण नहीं होता है? मैग्नीजियम, बी राइट आंसर मैग्नीजियम। नेक्स्ट द फिजिकल एक्सरसाइजेस स्टिमुलस अप्लाइड लीड टू एनहेंस द हार्मोनल रिस्पॉन्सिवनेस इन कंडीशन ऑफ, शारीरिक व्यायाम उत्तेजना को लागू करता है, कौन सा है यहाँ पर आंसर, बी हाइड्रेशन। नेक्स्ट इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग नोन एज ट्विकिंग द एक्सरसाइज स्टिमुलस एज हाइपरेमिया इज रिलेटेड टू, डी राइट आंसर ब्लड एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्नेक पर्सनैलिटी क्वेश्चनरीज कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी सब वेरिएबल्स, आंसर कीजिए, तो फोर होते इसमें, बी राइट आंसर फोर। नेक्स्ट है, हाउ मैनी क्रॉस फॉर अलॉटमेंट ऑफ लेन विल बी ड्रॉन फॉर द फाइनल ऑफ एनी स्प्रिंट इवेंट 100 मीटर टू 400 मीटर, किसी भी स्प्रिंट इवेंट में 100 मीटर से 100 मीटर से 400 मीटर के फाइनल के लिए लेन के आवंटन के लिए कितने ड्रॉ निकाले जाएंगे, तीन ड्रॉ निकाले जाएंगे, बी राइट आंसर थ्री ड्रॉज। The knowing aspect of awareness in psychology is known as, मनोविज्ञान में जागरूकता का ज्ञान किस पहलू के रूप में जाना जाता है, cognition, बी राइट आंसर cognition। Next question है, density factor of स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज, खेल प्रशिक्षण परीक्षण का घनत्व कारक क्या है, खेल प्रशिक्षण का घनत्व कारक आंसर कीजिए, लेस रिकवरी टाइम, सी राइट आंसर लेस रिकवरी टाइम। प्लेट्यू इन कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स कैरियर इज, प्रतिस्पर्धी खेल कैरियर में पठार क्या होते हैं कौन से, आंसर कीजिए, तो ये होता है हमारा जब प्रदर्शन में कोई ठहराव आ जाता है, तो राइट आंसर है इसमें सी स्टैग्नेशन इन परफॉर्मेंस। द सेल्फ एस्टीम इज रेफर्ड एज, आत्मसम्मान के रूप में संदर्भित किया जाता है, आई थिंक आई कैन डू, राइट आंसर है ए आई थिंक आई कैन डू। द बायो फीडबैक इज रिलेटेड विद, बायो फीडबैक किससे संबंधित है, फिजियोलॉजी से, ए राइट आंसर फिजियोलॉजी। द ऑप्टिमल एंगल ऑफ रिलीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन, किसी भी वस्तु के रिलीज का इष्टतम कोण किस प्रदर्शन पर निर्भर करता है, उसके वेट शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर, ए राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स डज नॉट हैव
ग्लाइकोजन स्टोरेज, लीवर, मसल, इंटेस्टाइन या फिर इरेथ्रोसाइट। राइट आंसर है इरेथ्रोसाइट, डी राइट आंसर। ट्रेल रेसेस टिपिकली हैव बीन रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? वृक्षण दौड़े जो है आमतौर पर किस खेल से संबंधित होती हैं? एथलेटिक्स से रिलेटेड है, सी राइट आंसर। जीन डोपिंग अपियर्स ऑन द प्रोहिबिटेड लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर? जीन डोपिंग किस वर्ष पहली बार प्रतिबंधित सूची में शामिल किया गया था? 2003 के अंदर, डी राइट आंसर। फॉर द 3000 मीटर स्टीपल चेज इवेंट हाउ मैनी वाटर जंप्स आर यूज? तो 7 वाटर जंप होते हैं, 28 हर्डल्स होती हैं 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस के अंदर, तो राइट आंसर है बी। हाउ मैनी नंबर ऑफ स्पाइक्स मे बी यूज बाय एथलीट इन स्पाइक शूज? किसी एथलीट द्वारा स्पाइक शूज में कितनी संख्या में स्पाइक्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं? टोटल 11 स्पाइक्स, ए राइट आंसर 11। इमेजिनरी लाइन पासिंग लेटरली फ्रॉम वन साइड टू द अदर इज कॉल्ड? एक तरफ से दूसरी तरफ जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? लेटरल एक्सिस उसको बोला जाता है, डी राइट आंसर। हाइपोक्सिया रेफर टू, हाइपोक्सिया यहाँ पर क्या किसको बोला जाता है? हाइपोक्सिया। इनएडिक्वेट ऑक्सीजन रीचिंग टू टिश्यू, सी राइट आंसर। सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऊतकों तक पहुंचने वाली अपर्याप्त ऑक्सीजन, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग कैन बी यूज टू, सीखने का सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है? टू अंडरस्टैंड एनालाइज एंड मैनेज ह्यूमन बिहेवियर, सी इसमें राइट आंसर। मानव व्यवहार का विश्लेषण और प्रतिबंधन करना, द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट द टीचर हैज इन द क्लासरूम इज टर्म्ड एज, शिक्षक के पास कक्षा में संचार का प्रकार क्या कहा जाता है उसको? ग्रुप कम्युनिकेशन, सी राइट आंसर, ग्रुप कम्युनिकेशन। द अर्लिएस्ट मॉडल टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एथलेटिक्स परफॉर्मेंस एंड अराउजल इज एक्सप्लेन्ड बाय, एथलेटिक प्रदर्शन और उत्तेजना के बीच संबंधों को समझाने के लिए सबसे पहला मॉडल क्या है? तो यू हाइपोथेसिस, इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस मॉडल, सी राइट आंसर। What process begin immediately after the physical activity is terminated? शारीरिक गतिविधि समाप्त होने के तुरंत बाद क्या प्रक्रिया शुरू होती है? The recovery process शुरू होती है, सी राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following pair is incorrectly matched? तो इसमें जो पियाजे हैं, टू फैक्टर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन वॉज नॉट सुजेस्टेड बाय एच क्लार्क, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शारीरिक शिक्षा में एच क्लार्क के द्वारा सुझाव नहीं दिया गया है? इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, सी राइट आंसर। द वर्ड कैचर इज एसोसिएटेड विद, कैचर शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल से रिलेटेड है, बी राइट आंसर। वट इज द कलर ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड रिंग इन द टारगेट फेस ऑफ आर्चरी, आर्चरी के अंदर टारगेट फेस में पहली और दूसरी रिंग का क्या रंग रहता है?
व्हाइट रंग रहता है, व्हाइट कलर रहता है. ए राइट आंसर. द डायमीटर ऑफ टेबल टेनिस बॉल 40 mm ये रहता है, 40 mm. ट्रॉफी 2021 किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने खेलो इंडिया यूथ गेम चैंपियन ट्रॉफी 2021 जीती है? हरियाणा ने जीती है. ए राइट आंसर हरियाणा. भगवानी देवी डागर वॉन विच मेडल एट द वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप? गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने. सी राइट आंसर गोल्ड मेडल. ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ब्रोक हिज ओन नेशनल रिकॉर्ड इन विच टूर्नामेंट? कौन से टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा? डायमंड लीग के अंदर. राइट आंसर है डायमंड लीग. ए राइट आंसर. विच इंडियन वीमेन हैज वॉन अ वर्ल्ड टाइटल एट द वीमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप? महिला विश्व चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला ने विश्व खिताब जीता है? निखत जरीन ने जीता है. निखत जरीन. ए राइट आंसर. हु हैज बिकम द 74th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? भारत के 74th जो ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर कीजिए. तो यह है राहुल श्रीवास्तव पेडी. राइट आंसर है राहुल श्रीवास्तव पेडी. हु हैज बिकम वन ऑफ द यंगेस्ट इंडियन माउंटेनियर टू सबमिट द EBC इन हिमालयन रेंजेस इन नेपाल? कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में EVC को शिखर पर पहुंचाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही में से एक बन गए हैं? कौन बन गए हैं? तो है रिदम ममानिया. राइट आंसर है रिदम ममानिया. ए राइट आंसर. हु कंसिडर द थ्री डोमेन सुजेस्टेड बाय ब्लूम इट एल एज एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन? किसने ब्लूम व उसके साथियों द्वारा सुझाए गए 3 आयामों को शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों के तौर पर उपयुक्त माना? तो यह है हारोल्ड एम बैरो ने. राइट आंसर है ए. डेंसिटी ऑफ बोन इज ग्रेटर इन? हड्डियों का घनत्व अधिक होता है किन में रहता है ज्यादा? मेंस बी मेंस बोथ एंड बी नन ऑफ अबव. तो मेंस के अंदर रहता है ज्यादा. ए राइट आंसर मेंस. व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ प्लेयर ऑफ अ प्लेयर ऑन ऑफेंसिव इन बास्केटबॉल? बास्केटबॉल में ऑफेंस के खिलाड़ियों का प्राथमिक लक्ष्य क्या रहता है? स्कोर करना प्राथमिक लक्ष्य रहता है. बी राइट आंसर. होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड टू? भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिए हैं इनमें से? देखिए गोपी चंद पुलेला. बी राइट आंसर गोपी चंद पुलेला. वन डे वंडर्स बुक रोट बाय? वन डे वंडर्स किसके द्वारा लिखी गई है? सुनील गावस्कर के द्वारा. फिलोसोफर नोन एज द फादर ऑफ फिलोसफी ऑफ आइडलिज्म? दर्शन शास्त्री जिन्हें आदर्शवाद का जन्मदाता कहा जाता है? प्लेटो को बोला जाता है. सी राइट आंसर. इन विच टू ग्रोथ पीरियड ऑफ ह्यूमन बींग इज रैपिड ग्रोथ रेट ऑब्जर्व? मनुष्य की किन दो विकास अवधियों में तीव्र वृद्धि दर देखी जाती है?
ये रहती है इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। सी राइट आंसर, इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड पीरियड में ज्यादा जो ग्रोथ रेट रहती है वो देखी जाती है। मीनिंग ऑफ साइके इज, साइको का मीनिंग क्या रहता है? सोल। सी राइट आंसर, सोल। साइकोलॉजी एज साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स अकॉर्डिंग टू, किसके द्वारा जो ये बोला गया है? मनोविज्ञान मनुष्य व अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ब्रुक्स एंड स्टेन के द्वारा, राइट आंसर है ब्रुक्स एंड स्टेन। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स, ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण क्या कहलाता है यहाँ पर? इसका क्या मतलब रहता है नेगेटिव ट्रांसफर का? ये होता है ऑब्स्ट्रक्शन इन लर्निंग, जब सीखने में बाधा होती है। बी राइट आंसर। द मेन फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनैलिटी इज, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक जो है वो कौन सा होता है? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बी राइट आंसर। द मोस्ट इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इज, शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क है? स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। सी राइट आंसर, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। द प्राइमरी फोकस ऑफ सुपरविजन मस्ट ऑलवेज बी, राइट आंसर क्या होगा? इंप्रूविंग लर्निंग सिचुएशन। ए राइट आंसर। द मोस्ट आइडियल फॉर्मेशन फॉर टीचिंग स्किल इज, शिक्षण कौशल के लिए सबसे आदर्श बनावट या रचना है? सेमी सर्कल होती है। सी राइट आंसर, सेमी सर्कल। मास फिजिकल एक्टिविटी क्लासेस ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूज ऑफ, शारीरिक संचार गतिविधि कक्षाएं किसके उपयोग द्वारा बेहतर ढंग से संगठित होती हैं? कमांड मेथड के द्वारा। ए राइट आंसर, कमांड मेथड। एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, संगठन का आवश्यक सिद्धांत क्या है? नेम एंड फेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बी राइट आंसर। अ स्टेटमेंट ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक गोल अटेन बाय द लर्नर अंडर द गाइडेंस ऑफ अ टीचर इज कॉल्ड, एक वक्तव्य जिसमें कि शिक्षार्थी अध्यापक के निर्देश में सामान्य और विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करता है, ये क्या कहलाता है? लेसन प्लान। सी राइट आंसर, लेसन प्लान या पाठ योजना। रिएक्शन एबिलिटी एंड एक्सिलरेशन एबिलिटी आर द फॉर्म्स ऑफ, प्रतिक्रिया योग्यता और त्वरण योग्यता इस रूप में है? स्पीड। राइट आंसर है स्पीड। द एम ऑफ ट्रांजिशन पीरियड इज, ट्रांजिशन पीरियड या विश्राम काल का उद्देश्य क्या रहता है? टू गेट रिकवरी, रिकवरी करना इसका उद्देश्य रहता है। स्ट्रेंथ कैन बी मेजर बाय यूजिंग ऑफ, ताकत को किसके द्वारा मापा जाता है? इसको डायनेमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ए राइट आंसर। एनर्जी को मापने की यूनिट कौन सी रहती है? ऊर्जा को मापने की इकाई कैलोरी, कैलोरी। राइट आंसर सी। नेफ्रोन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ, नेफ्रोन सूक्ष्म संरचना है किसकी? किडनी की। राइट आंसर है सी, किडनी। हेल्थ एजुकेशन इज द सम ऑफ ऑल दोज एक्सपीरियंस इन स्कूल एंड एल्सवेयर दैट फेवरेली इन्फ्लुएंस हैबिट एटीट्यूड्स एंड नॉलेज रिलेटेड टू इंडिविजुअल कम्युनिटी एंड सोशल हेल्थ हु डिफाइंस। स्वास्थ्य शिक्षा स्कूल व दूसरी जगह पर हुई उन सारे अनुभवों का निचोड़ है जो कि व्यक्ति समुदाय व समाज के स्वास्थ्य से जुड़ी आदतों अभिवृत्तियों और ज्ञान पर सुखद प्रभाव डालती है। किस
ये परिभाषा जो है किसके द्वारा दी गई है? थॉमस वुड के द्वारा दी गई है। राइट आंसर है ए, थॉमस वुड। वाइटल कैपेसिटी मेजर बाय स्पायरोमीटर के द्वारा वाइटल कैपेसिटी मेजर की जाती है। राइट आंसर है डी, स्पायरोमीटर। स्टडी ऑफ मसल को क्या बोला जाता है? मायोलॉजी बोला जाता है। ई राइट आंसर है सी, मायोलॉजी। आइडलिज्म बेसिस ऑन, तो आइडलिज्म पर आधारित है। यहाँ पर क्या है? आइडियाज। आइडलिज्म जो है आइडियाज पर आधारित है। बी राइट आंसर। फिजिकल एजुकेशन डेवलप्स द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल अंडर। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती है। राइट आंसर है ए, आइडलिज्म। नेक्स्ट है, विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग इन आर बॉडी। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने में हेल्प करता है? विटामिन के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन इन सेल विद विल ट्रांसपोर्ट। एक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन का परिवहन करेगा। मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सी राइट आंसर। विच सिस्टम ऑफ द बॉडी इज इन्वॉल्व इन मोटर लर्निंग। कौन सी प्रणाली शामिल होती है? न्यूरो ये होती है न्यूरो मस्कुलर एक्टिविटी। ठीक है, राइट आंसर है सी, न्यूरो मस्कुलर। वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अगेन ये क्वेश्चन है लोसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है ये। ए राइट आंसर। व्हाट डज द ओलंपिक्स मोटो सिटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर मीन्स? तो सी राइट आंसर, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? केयर ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पर सारे क्वेश्चन थोड़े से रिपीट हो गए हैं, आगे हम चलते जाएंगे। जो क्वेश्चन हमने कल पढ़े हैं उनको हम यहाँ पर दोबारा से नहीं करेंगे आज। फिर आगे हम करेंगे। लिम्बा राम इज नोन नोन फॉर द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन विच स्पोर्ट्स? कौन से खेल से है ये? आर्चरी। राइट आंसर है डी, आर्चरी। इन विच सिटी द सुरजीत हॉकी स्टेडियम सिचुएटेड? जालंधर। सी राइट आंसर, जालंधर। इनिंग डिक्लेयर्ड इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? इनिंग जो है वो किस खेल में डिक्लेयर की जाती है? क्रिकेट के अंदर। डी राइट आंसर। बिटवीन विच कंट्रीज इज एशियज ट्रॉफी प्लेड? एशियज ट्रॉफी किन देशों के बीच में खेली जाती है? डी राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। नेक्स्ट है, थिक फिलामेंट इन स्केलेटल मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ? कंकाल की मांसपेशियों में मोटे तंतु किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं मायोसिन के। बी राइट आंसर, मायोसिन। हु सेड साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी? ठीक है, ये किसने बोला है साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी? अरस्तु के द्वारा बोला गया है, एरिस्टोटल। अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज फाउंड इन?
1984 ए राइट आंसर। रंगा स्वामी कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम? रंगा स्वामी कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? हॉकी से ये जुड़ा हुआ है, ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ? अगेन यहाँ पर बोन से रिलेटेड है। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजर्ड पार्ट ऑफ बॉडी इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ? शरीर के किसी घायल अंग से लगातार रक्तस्राव किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन के की कमी के कारण होता है, सी राइट आंसर। क्वेश्चन हमने कल कर लिए, उनको हम स्किप करते चलेंगे आगे। विड्थ ऑफ लेन इन स्टैंडर्ड एथलेटिक ट्रैक इज? मानक एथलेटिक ट्रैक में लेन की कितनी चौड़ाई रहती है? यस, 1.22 मीटर होती है, डी राइट आंसर। तो वॉलीबॉल के अंदर रोटेशन किस तरह से होती है? क्लॉकवाइज ये रहती है, सी राइट आंसर। नेक्स्ट, मसल ऑफ हार्ट इज नोन एज? ये भी हमने कल ही किया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। कार्डिक इसको बोलते हैं, कार्डिक मसल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन हार्ट का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो क्या रहता है? कंट्रोल, रिफ्लेक्स, एक्शन, सी राइट आंसर। द डायमीटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज? मेरुरज्जू का व्यास कितना रहता है, स्पाइनल कॉर्ड का कितना यहाँ पर डायमीटर रहता है? 1 सेंटीमीटर, सी राइट आंसर। नेक्स्ट, लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जांघ की हड्डी होती है फीमर। अगला है, हाउ मैनी नर्व सेल कंटेन इन ह्यूमन बॉडी? तो ये 100s of crore। द वेट ऑफ ब्रेन इज अबाउट? मानव शरीर में जो ब्रेन है उसका वेट कितना रहता है, सी राइट आंसर, 1350 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल यू डू इफ यू बर्न बाय फायर? अगर तुम आग में जल जाते हो तो क्या करोगे? रिमूव ऑल द क्लोथ्स, जले हुए जो कपड़े रहेंगे पहले सबसे पहले उनको उतारेंगे, डी राइट आंसर। द डिजीज कॉज्ड बाय स्मोकिंग आर स्टेटेड बिलो, तो यहाँ पर क्या बोला गया, अरेंज देम इन सिक्वेंट ऑर्डर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर कीजिए, सारा कुछ आपको यहाँ पर बताया हुआ है। राइट आंसर क्या है, डी इसमें राइट आंसर है। तो धूम्रपान से होने वाले रोग के बारे में यहाँ पर ये जो धूम्रपान से होने वाले रोग है ये बताए हुए हैं, उनको यहाँ पे क्रम में लिखना था, तो राइट आंसर क्या है, डी। द क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी टाइप एज एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ आर गिवन बाय, शेल्डन के द्वारा दिए गए हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कल। तो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है फरनाइट में पूछा गया है, तो 98.4 डिग्री फरनाइट, ए राइट आंसर। अगर सेंटीग्रेड में पूछा जाता तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट मसल इन मैन बॉडी इज? शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है, सर्टोरियस होती है, ए राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन टू गिव फर्स्ट एड टू एन इंजर्ड पर्सन? घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने का क्या कारण रहता है, क्यों दिया जाता है? तो ये सारे ही चीज इसमें रहेंगे, ठीक है। जब अगर खून बह रहा है तो ब्लीडिंग जो है वो इमिडिएटली बंद करने के लिए, अब फिर कई बार आर्टिफिशियल ब्रीदिंग की जरूरत पड़ती है उसके लिए, तो या और क्राउड को अवॉइड करने के लिए, तो ऑल ऑफ दीज इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? लीवर, नर्व, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ पर पार्ट जो है नर्व नहीं होती है, बी राइट आंसर। फिजिकल एजुकेशन इज अ सम ऑफ होल एजुकेशन दैट डील्स विद बिग मसल एक्टिविटी एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्स, हु गेव दिस डेफिनेशन? तो ये दी गई है जेबी नेश के द्वारा, सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉडी विच कंट्रोल्स द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियन टीम इन ओलंपिक गेम? ओलंपिक खेलों में भारतीय टीमों की भागीदारी को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? IOA, ये सी राइट आंसर, IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। Which of the following is not a benefit of exercise? इनमें से कौन व्यायाम के लाभ नहीं होते हैं? जो इंजरी है वो व्यायाम के लाभ नहीं होते, सी राइट आंसर, इंजरी। द टर्म मैराथन रेस इज नेम्ड आफ्टर, मैराथन दौड़ शब्द का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसी प्लेस के नाम पर है ये, बी राइट आंसर। हाइड्रोथेरेपी इज गिवन यूजिंग, तो हाइड्रोथेरेपी का उपयोग जो है वो किसको यूज करके किया जाता है? वाटर, बी राइट आंसर, वाटर। नेक्स्ट, द कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस कैपेसिटी इज, कार्डियोवैस्कुलर सहन शक्ति क्षमता क्या होती है? तो ये है एरोबिक पावर हमारी, सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मसल इन द बॉडी, शरीर में मांसपेशियों का प्रतिशत कितना होता है? 40% रहता है, ए राइट आंसर, 40%। एट द टाइम ऑफ रिलीज ऑफ डिस्कस, ये भी हमने कल किया हुआ है, कौन सा इसमें फोर्स लगती है? तो बी राइट आंसर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज मोर देन सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट, द फोर्स एक्टिंग ऑन द रनर नियर द एंड ऑफ द रेस कौन सी लगती है? सारी ही लगती है ये, बी राइट आंसर, ये जो भी यहाँ पर लिखी हुई है सारी ही लगती है। नेक्स्ट है, विच टेक्निक इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के इलाज में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ट्रैक्शन, ए राइट आंसर, ट्रैक्शन। ये सारी क्या है हमारी, टाइप ऑफ मसाज होती है, तो कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? ट्रैक्शन। दीज आर द कंडीशन रिलेटेड विच स्ट्रेस एक्सेप्ट, ये तनाव से संबंधित स्थितियां होती है सिवाय किसके? एनीमिया के, ए बी राइट आंसर, एनीमिया। हु गेव द लॉ ऑफ लर्निंग, सीखने के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। व्हेन वाज लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर एस्टेब्लिश, तो कब हुआ है फिजिकल एजुकेशन, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो ग्वालियर में है, कब ये एस्टेब्लिश हुआ है? 1957 के अंदर, बी राइट आंसर।
Which of the following minerals keeps nail, brain and hair healthy? यह कैल्शियम ही राइट आंसर, कैल्शियम जो कि हमारे नाखून, मस्तिष्क और बालों को स्वस्थ बनाए रखता है। कैल्शियम नेसेसरी बेसिक कंडीशन फॉर गुड हेल्थ इंक्लूड, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक मूलभूत शर्तों में क्या शामिल रहती है? सारी ही रहती है, प्रॉपर डाइट होती है, पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन है, एक्सरसाइज एंड रेस्ट, तो ऑल ऑफ अबव, सारे ही इसके राइट आंसर है, डी राइट आंसर। विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मैमल टू मैन? संक्रमित स्तनधारियों से मनुष्य में कौन से रोग संचारित होते हैं? रेबीज है ये, सी राइट आंसर, रेबीज। ओबेसिटी डज नॉट कॉज, मोटापे के कारण नहीं होता है, कैंसर, सी राइट आंसर, सॉरी बी राइट आंसर, कैंसर। फिजिकल एजुकेशन एज वेल एज स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस्ड अ गोल्डन एज इन विच एशियंट कंट्री? किस प्राचीन देश में शारीरिक शिक्षा के साथ खेलों ने स्वर्ण युग का अनुभव किया था? तो ग्रीस के अंदर, ए राइट आंसर, यूनान या ग्रीस। वट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू यंग चिल्ड्रन? तो छोटे बच्चों पर कौन सी प्रेरणा जो लागू नहीं होती है? तो यह इंट्रिंसिक मोटिवेशन, राइट आंसर है ए, आंतरिक प्रेरणा। अंडर रेस्टिंग कंडीशन द अमाउंट ऑफ एयर दैट एंटर्स एंड लीव्स द लंग इन ईच, आराम की स्थिति में फेफड़ों में प्रवेश करने और छोड़ने वाली हवा की मात्रा कितनी रहती है? 500 ml। द एक्सेप्टेड सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑफिशियल फीफा वॉल इज, आधिकारिक फीफा वॉल की स्वीकृत परिधि कितनी रहती है? आंसर कीजिए। सही तो ये रहती है, सी राइट आंसर, 27 to 28 inches। वट इज द ड्यूरेशन ऑफ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच की कितनी अवधि रहती है? 45, 45 के दो हाफ रहते हैं, 10 मिनट का इसमें इंटरनल टाइम इंटरवल ब्रेक रहता है, तो राइट आंसर है ए, इंटरवल ट्रेनिंग इज गुड फॉर, मिड सेशन, राइट आंसर है मिड सेशन। सिंस व्हेन द स्विमिंग बीन ओलंपिक स्पोर्ट्स, तैराकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? पहले ही ओलंपिक्स में 1896, पहले मॉडर्न ओलंपिक के अंदर 1896। विच फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस वॉज इनिशियली कॉल्ड सीरम हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस के किस रूप को शुरू में सीरम हेपेटाइटिस कहा जाता था? हेपेटाइटिस बी को, राइट आंसर क्या है? हेपेटाइटिस बी। द मेंस्ट्रुएशन इन विमेन इज, महिलाओं में मासिक धर्म क्या रहता है? कौन सी तरह की गतिविधि एक्टिविटी रहती है? एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, बी राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज टर्म्ड एज मदर ऑफ ऑल डिजीज? कौन से रोग को सभी रोगों की जननी कहा जाता है? तो ओबेसिटी, मोटापे को बोला जाता है सभी रोगों की जननी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ टेबल टेनिस बॉल? टेबल टेनिस बॉल का अधिकतम वजन कितना होता है? 2.7 ग्राम, सी राइट आंसर, 2.7 ग्राम। वॉल्यूमेट्रिक ट्रेनिंग मेथड इज यूज्ड टू डेवलप, इसको डेवलप करने के लिए किया जाता है, वॉल्यूमेट्रिक ट्रेनिंग मेथड यूज किस लिए होता है? एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए, ए राइट आंसर। नोज, फाइरेक्स, लाइरेक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाइट्स एंड लंग्स आर ऑर्गन्स दैट बिलोंग टू द डैश सिस्टम।
नाक, ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वास नली, ब्रोंकाई और फेफड़े ऐसे अंग हैं जो कि कौन सी प्रणाली से संबंधित रहते हैं? रेस्पिरेटरी से यहाँ पर रहते हैं, श्वसन प्रणाली से, रेस्पिरेटरी सिस्टम। गोल्डन गर्ल बुक इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ, किसकी ऑटोबायोग्राफी है गोल्डन गर्ल? पीटी उषा की, राइट आंसर है पीटी उषा। इन विच ईयर द फर्स्ट विंबलडन चैंपियनशिप हेल्ड, पहली जो प्रथम विंबलडन चैंपियनशिप है वो कौन से वर्ष में आयोजित की गई थी? 1877, डी राइट आंसर 1877। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इंड्योरेंस डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सहन शक्ति विकास की एक विधि नहीं होती है? पेस रेस, पी राइट आंसर पेस रेस। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज मोस्ट कॉमन इन, तो बच्चों में सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। फिजिकल एजुकेशन एज वेल एज स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस गोल्डन ईरा इन विच कंट्री, अभी पहले हमने पढ़ा ग्रीस के अंदर, सी राइट आंसर। द मैक्सिमम ड्यूरेशन अलाउड फॉर फ्लोर एक्सरसाइज इन जिमनास्टिक फॉर फीमेल इज अप टू, महिलाओं के लिए जिमनास्टिक में फर्श अभ्यास के लिए अनुमत अधिकतम अवधि कितनी रहती है? 90 सेकेंड, सी राइट आंसर 90 सेकेंड। नेक्स्ट है डायनेमिक कॉन्ट्रेक्शन विच मीन इक्वल टेंशन इज ऑल्सो नोन एज, गतिशील संकुचन जिसका अर्थ है समान तनाव किस रूप में जाना जाता है? आइसोटॉनिक कंट्रैक्शन बोला जाता है, डी राइट आंसर आइसोटॉनिक कंट्रैक्शन। नेक्स्ट है वाइल्ड वार्मिंग अप, इफ द बॉडीज कोर टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस देन स्पेशल मेटाबॉलिक रेट विल इंक्रीज बाय, वार्म अप करते समय यदि शरीर का कोर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो बेसल मेटाबॉलिक रेट में वृद्धि होगी, कितने परसेंट होगी? 14%, डी राइट आंसर। फिर सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज मेनली अकर इन, नरम उत्तक की चोटें मुख्य रूप से होती हैं कनेक्टिव टिश्यू में, सी ए राइट आंसर कनेक्टिव टिश्यू। हु इज करंट प्रेजिडेंट ऑफ बाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है बिल्टोइट बांका, राइट आंसर है बिल्टोइट बांका। द शेप ऑफ हॉकी बॉल इज, हॉकी की गेंद का आकार कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, डी राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू सब्स्टिट्यूट द टर्म सोशलाइजेशन, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग मनोवैज्ञानिकों द्वारा समाजीकरण शब्द का प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है? तो यह एनकल्चुरेशन, ए राइट आंसर, सॉरी राइट आंसर क्या है इसमें, सी एनकल्चुरेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय साइकोलॉजिकल हैजार्ड एट वर्क प्लेस, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कार्यस्थल पर मनोवैज्ञानिक जोखिम के कारण होता है? इंडस्ट्रियल न्यूरोसिस, राइट आंसर है इंडस्ट्रियल न्यूरोसिस, भी राइट आंसर। नेक्स्ट है एनाबॉलिक स्टीरॉइड एक्ट ऑन डैश सिस्टम, एनाबॉलिक स्टीरॉइड कौन से सिस्टम पर एक्ट करता है? मस्कुलर सिस्टम पर, सी राइट आंसर मस्कुलर। हाउ मैनी प्लेयर कंस्टिट्यूट इन हैंडबॉल टीम, हैंडबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 14।
इन साउथ इंडिया कबड्डी इज नोन एज, दक्षिण भारत में कबड्डी को कौन से नाम से जाना जाता है? चेडुगुडु। राइट आंसर है चेडुगुडु। एट वट एज डू गर्ल मेच्योर फास्टर देन बॉयज? 13 to 19 ईयर। ए राइट आंसर 13 to 19 ईयर। नेक्स्ट है द विड्थ ऑफ लेन इन स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में लेन की चौड़ाई कितनी होती है? 2.5। बी राइट आंसर 2.5 मीटर। व्हेन एन ओवर मोटिवेटेड रैपिडली टू फिजिकल एक्टिविटी इट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ मसल। जब एक अति प्रेरित खिलाड़ी शारीरिक गतिविधि के माध्यम से अपने शरीर के वजन को तेजी से कम करने का प्रयास करता है तो इसके परिणाम स्वरूप मांसपेशियों की इसमें हानि हो जाती है, मास, लॉस ऑफ मास, मसल मास। डैश इज स्टिमुलेंट फाउंड इन टी कॉफी एंड कोला ड्रिंक। चाय कॉफी और कोला में पाया जाने वाला उत्तेजक कौन सा रहता है? कैफीन पाया जाता है। ए राइट आंसर कैफीन। फेयरनेस, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट आर फोर की वर्चू ऑफ। निष्पक्षता, अखंडता, जिम्मेदारी और सम्मान चार प्रमुख गुण है किसके हैं? स्पोर्ट्स एथिक्स, खेल नैतिकता। सी राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर द टेक्निक्स सीजर स्टाइल, ईस्टर्न कट ऑफ एंड वेस्टर्न रोल? निम्नलिखित में से किस इवेंट्स के अंदर सीजर स्टाइल, ईस्टर्न कट ऑफ और वेस्टर्न रोल जो टेक्निक होती है, हाई जंप के अंदर ये सारी रहती है? तो राइट आंसर क्या है? डी हाई जंप। हाउ मैनी चैम्बर डज द ह्यूमन हार्ट हैव? कितने हार्ट में चैम्बर होते हैं हमारे? फोर चैम्बर होते हैं। द इनसाइड डायमीटर ऑफ बास्केटबॉल रिंग शुड बी बिटवीन। बास्केटबॉल रिंग के अंदर का व्यास कितना होना चाहिए? 450 mm to 460 mm। डी राइट आंसर। इन 18th century फिजिकल एजुकेशन वॉज लेवल्ड एज। 18वीं शताब्दी में शारीरिक शिक्षा को निम्न रूप में चिन्हित किया जाता था। जिम्नास्टिक। ए राइट आंसर जिम्नास्टिक। बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैन बी लोअर्ड टू मॉडेस्ट डिग्री विद द प्रोग्राम ऑफ। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों रक्तचाप को निम्न में से एक कार्यक्रम के साथ सामान्य डिग्री तक कम किया जा सकता है। एरोबिक टाइप एक्सरसाइज। डी राइट आंसर एरोबिक टाइप एक्सरसाइज। इन ट्रेनिंग सेशन द अमाउंट ऑफ टोटल परफॉर्म वर्क इज नोन एज। क्या होता है ये? वॉल्यूम। डी राइट आंसर वॉल्यूम। आफ्टर लॉस इन कॉम्पिटिशन एक्सेप्टिंग डिफीट इन पॉजिटिव मैनर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसी प्रतियोगिता में हार के बाद हार को सकारात्मक रूप में स्वीकार करना एक उदाहरण है किसका? स्पोर्ट्समैनशिप का। डी राइट आंसर खेल भावना, स्पोर्ट्समैनशिप। अमंग द फॉलोइंग डैश आर एजेंट ऑफ द मोस्ट कम्युनिकेबल डिजीज। राइट आंसर क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है द लेंथ एंड विड्थ ऑफ हैंडबॉल कोर्ट मस्ट बी डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। 40 into 40 and 20 ये रहती है हैंडबॉल कोर्ट की जो डायमेंशन कितनी है? 40 into 20 मीटर। सी राइट आंसर, सॉरी डी है राइट आंसर, 40 and 20 मीटर। द मैक्सिमम वेट ऑफ हॉकी बॉल शुड नॉट बी मोर देन।
तो हॉकी की बॉल का जो ज्यादा से ज्यादा वजन है वो कितना होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 160 ग्राम। राइट आंसर है सी, 160 ग्राम। डायमेंशन ऑफ सिटिंग स्क्वायर इन खो खो, खो खो में बैठने के लिए जो स्क्वायर बने होते हैं उसका क्या डायमेंशन रहता है? ए राइट आंसर 35 x 30 सेंटीमीटर। शारीरिक शिक्षा का सार क्या होता है? द एसेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज, तो फिजिकल एक्टिविटी बी राइट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधियां। द टर्म लिब्रो इज एसोसिएटेड विद विच गेम? तो वॉलीबॉल से रिलेटेड होता है लिब्रो। अर्जुन अवार्ड इज गिवन टू, अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? स्पोर्ट्स फेडरेशन को, प्लेयर्स को, कोचेस को या टीम्स को? ये प्लेयर्स को दिया जाता है, बी राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस इज नोन एज, लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस को किस रूप में जाना जाता है? इसको टेनिस एल्बो के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर डी, टेनिस एल्बो। फिटनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एज, पर्सनल हैबिट, एक्सरसाइज एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। विच ऑफ दीज फैक्टर इज इनकंट्रोलेबल? फिटनेस उम्र, व्यक्तिगत आदतों, व्यायाम और जीवन के प्रति दृष्टिकोण से प्रभावित होती है, तो इनमें से कौन सा कारक अनियंत्रित है? तो एज है इसमें, बी राइट आंसर एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस इज एन इन्फेक्शन विच अकर इन द, हेपेटाइटिस एक संक्रमण है जो कि निम्न में होता है, कहाँ पर होता है ये संक्रमण? लीवर के अंदर होता है, बी राइट आंसर लीवर। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द गेम ऑफ वॉलीबॉल ऑरिजिनली कॉल्ड मिंटोनिटी? निम्नलिखित में से किसने वॉलीबॉल के खेल का आविष्कार किया जिसे कि मूल रूप से मिंटोनिटी कहा जाता था? वॉलीबॉल का इन्वेंट किसने किया है? विलियम जी मॉर्गन ने किया है, जिसको वॉलीबॉल का ही पुराना नाम क्या था? मिंटोनिटी। लिम्बरिंग डाउन एक्सरसाइज हेल्प टू, लिम्बरिंग डाउन जो व्यायाम है वो मदद करते हैं, किस में मदद करते हैं? प्रिवेंट पोस्ट एक्सरसाइज सोरनेस एंड स्टिफनेस में ये मदद करते हैं, बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, इसमें स्टमक सीक्रेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक जूस, पेट में, पेट निम्नलिखित में से कौन सा जठर रस स्रावित करता है? तो इसमें देखिए हमारा 1 और 2 जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, सी राइट आंसर। इसमें एचसीएल और पेप्सिन, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ओनली 1 एंड 3 आर करेक्ट। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, इनमें से खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत कौन सा नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, सी राइट आंसर। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा का सिद्धांत। हॉकी बॉल का वेट जो है कितना होना चाहिए? तो 156 to 163 जो इसका वेट रहना चाहिए, और डायमीटर 71.3 to 74.8 mm। नेक्स्ट है, बैरन पियरेटी क्वांटिन फाउंडेड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन, तो इसमें पूछा गया आईओसी का जो गठन है वो कब हुआ था और ये किसके द्वारा किया गया था? बैरन पियरेटी क्वांटिन के द्वारा किया गया था, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक भी बोला जाता है। तो कब हुआ था? 1894 में, जो पहले मॉडर्न ओलंपिक खेल हुए वो 1896 में, 1896 में हुए, इसके 2 साल पहले ही आईओसी का गठन यहाँ पर हुआ 1894 के अंदर, डी राइट आंसर। द कंडीशन वेयर द एंड ऑफ बोन इज फोर्स
ऑफ इट्स नॉर्मल पोजिशन इन अ ज्वाइंट इज एक स्थिति जहां हड्डी का अंत एक जोड़ में अपनी सामान्य स्थिति से यहाँ पर दूर हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डिसलोकेशन। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एनर्जी बाय फॉर्मिंग एटीपी फ्रॉम केमिकल सोर्स इज नोन एज। रासायनिक स्रोतों से एटीपी बनाकर ऊर्जा संचय करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर कीजिए। यस, ये कहलाती है फॉस्फोराइलेशन। डी राइट आंसर, फॉस्फोराइलेशन। इन हेल्थ एजुकेशन एफर्ट शुड बी डिडक्टेड टू हेल्प पीपल टू मेक। स्वास्थ्य शिक्षा में लोगों की मदद करने का प्रयास का पता लगाया जाना चाहिए। डिसीजन एंड हैव देयर चॉइसेस। ए राइट आंसर। एन इलनेस ड्यू टू स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट और इट्स टॉक्सिक प्रोडक्ट्स कैपेबल ऑफ बीइंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रांसमिटेड फ्रॉम मैन टू मैन, एनिमल टू एनिमल और फ्रॉम एनवायरमेंट टू मैन और एनिमल इज। एक विशिष्ट संक्रामक एजेंट या उसके जहरीले उत्पादों के कारण होने वाली बीमारी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य पशु से पशु या पर्यावरण से मनुष्य या पशु में संचारित होने में सक्षम होती है, ये होती है कम्युनिकेबल डिजीज। डी राइट आंसर। अ हार्ट वॉल बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज नोन एज। दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच हृदय के वॉल्व को क्या बोला जाता है? कौन सा वॉल्व होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। सी राइट आंसर, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। व्हेन वाज ओलंपिक ऑफिशियल मैस्कॉट स्टार्टेड इन ओलंपिक? 1968 के अंदर। ए राइट आंसर, 1968 के अंदर ओलंपिक में पहला जो ओलंपिक आधिकारिक शुभंकर जो है वो शुरू हुआ। इन पीरियडलाइजेशन साइकिल द ड्यूरेशन ऑफ पीक साइकिल शुड बी ऑफ 4 to 6 वीक रहता है। सी राइट आंसर। एक पीरियडाइजेशन साइकिल के अंदर जो पीक साइकिल रहता है वो 4 to 6 वीक का रहता है। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है इन स्केलेटल मसल द कनेक्टिव टिश्यू सेल सराउंडिंग ईच फेसिकल्स इज नोन एज। राइट आंसर है पेरिमाइजियम। बी राइट आंसर, पेरिमाइजियम। नेम ऑफ द ईयर इन विच द्रोणाचार्य इन विच ध्यानचंद अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड। ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 2002 के अंदर। सी राइट आंसर, 2002। नेक्स्ट, लुकिंग गुड फीलिंग गुड एंड लिविंग लॉन्गर कैन बी अचीव थ्रू। एक अच्छा दिखना, अच्छा महसूस करना, लंबे समय तक जीवित रहना किसके माध्यम से किया जा सकता है? रेगुलर एक्सरसाइज के द्वारा हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। फिर कंटिन्यूअस ट्रेनिंग क्या होती है? सतत प्रशिक्षण क्या हो रहता है? ऑप्शन आपके पास दिए हैं, आंसर कीजिए। यस, तो ए राइट आंसर, इन्वॉल्व ट्रेनिंग एट द लो मीडियम इंटेंसिटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अ कंडीशन इन विच अ ट्विस्ट पुल एंड अ टियर ऑफ मसल एंड टेंडन अकर इज। एक ऐसी स्थिति जिसमें पेशी या कंडरा का मरोड़ खिंचाव या फटना होता है उसको बोला जाता है स्ट्रेन। सी राइट आंसर। द रेंज ऑफ पॉसिबल मूवमेंट अराउंड अ ज्वाइंट इज कॉल्ड।
एक जोड़ के चारों ओर संभावित गति की सीमा क्या कहलाती है? फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल फिटनेस आर स्पेसिफिक टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग स्टिमुलस एंड एसोसिएटेड विद। शारीरिक फिटनेस में सुधार प्रशिक्षण उत्तेजना की विशेषताओं के लिए विशिष्ट है और इसके साथ जुड़ा हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, विशिष्टता का सिद्धांत। डी राइट आंसर। द मिनिमम हाइट ऑफ क्लियरेंस फॉर इंडोरेंस वॉलीबॉल कोर्ट इज। इंडोर वॉलीबॉल कोर्ट के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी रहती है? 7 मीटर रहती है। ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज मोटो ऑफ नाडा? नाडा का क्या मोटो रहता है? प्ले फेयर। नेक्स्ट इसमें है, विच इज नॉट द करेक्ट कंपोजिशन ऑफ एक्सटर्नल एयर बाय वॉल्यूम? आयतन के अनुसार बाह्य वायु का सही संगठन कौन सा नहीं है? नाइट्रोजन 80%। ये सही नहीं है। ए राइट आंसर। फिजिकल एजुकेशन ऑल्सो नोन एज, शारीरिक शिक्षा को इस नाम से भी जाना जाता है। जिम। राइट आंसर क्या है? ए जिम। नेक्स्ट है, अ फिजिकल एजुकेशन टीचर नाउ अ डे इज असेंशियल। एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक आजकल अनिवार्य रूप से, यहाँ पर अनिवार्य है किसके लिए? यहाँ पर ऑल ऑफ अबव, एन इंस्ट्रक्टर एक प्रशिक्षक, या फिर भी क्या है, अ मूवमेंट एजुकेटर, अ ड्रिल मास्टर, ऑल ऑफ अबव। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। एरोबिक एक्सरसाइज स्ट्रेंथन योर, एरोबिक व्यायाम जो है वो आपको मजबूत बनाता है, हमारे हार्ट माइंड सोल बॉडी किसको मजबूत करता है? हमारे हार्ट को मजबूत करता है। ए इसमें राइट आंसर। तो हमको यहाँ पर लगभग 2 घंटे यहाँ पर हो चुके हैं, तो यहाँ तक ही हम इस वीडियो में क्वेश्चन को करेंगे, तो इतने ही हम कर पाए हैं आज की वीडियो में क्वेश्चन। कल आपका एग्जाम है, तो एग्जाम के लिए, जिनका भी एग्जाम है तो उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आई होप आपका जो पेपर है काफी अच्छे से हो जाए कल। इतने क्वेश्चन हम कर पाएंगे आज की वीडियो में, तो यहीं पर मैं वीडियो को यहाँ पर खत्म करती हूँ।